स्टैटिक जीएस जीके की जब हम बात करें तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से उन प्रश्नों को पढ़ना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन थे? डैग हैमरसोल्ड, त्रिवेली, यूथांट, डॉक्टर कुर्त वाल्डहिम। तो जितने भी साथी वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं फटाफट अंदाज में इस प्रश्नों के जवाब देंगे। ये सीरीज आपकी परीक्षा के लिए तैयार की गई है और परीक्षा वाले सवाल यहाँ पे हैं। अगर बात किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा त्रिवेली थे। ये कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। मेरा सवाल आपसे है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। अगर इनकी कार्यकाल की बात करें तो ये 1946 से 53 तक थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, यूनिक प्रश्न है। मतलब इसको अगर आपने पढ़ लिया, इसे याद कर लिया, तो परीक्षा में आपको काफी मदद और सहयोग मिलने की संभावना रहती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था? कोफी अन्नान, बुतरोस घाली, नेल्सन मंडेला, बिन्नी मंडेला। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में जवाब जरूर देंगे। यहां पर इस प्रश्न की बात करें तो बुतरोस घाली, जी हाँ, ये पहले अफ्रीकी महासचिव थे। और ये कहाँ के थे? ये मिस्र के थे। मिस्र की राजधानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मिस्र की राजधानी कहाँ है। वीडियो को फटाफट अंदाज में आप लोग शेयर करिएगा और चैनल पे जैसे आएगा वीडियो को लाइक करके रखिएगा ताकि हम आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहे। ये अफ्रीका के घाना के निवासी थे और ये लगभग इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। दूसरा कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए, माने ये 2 बार निर्वाचित हुए थे। ये एक कार्यकाल के बाद ये दो दो बार, मतलब ये 2 बार निर्वाचित हुए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इन सभी की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। एसएस की पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको इलानी भी दुर्गेश की ऐप और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्या ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देते रहें सवालों के। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि OECD का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अर्थात मार्स प्लान के तहत 1961 में बना। किसके तहत? मार्स प्लान। ये यहां पर नहीं, इसलिए सही है। किसके तहत? मार्स प्लान के तहत। अगर सन पूछा जाए तो 1961 में। 1961 में इसका मुख्यालय, अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका जो हेडक्वार्टर है जिसे मुख्यालय के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, अर्थात फ्रांस में। हम जो बात करें OECD का, माने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इसकी अगर बात करें तो 27 दिसंबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, कहाँ पे, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये 1 मार्च 1947 से काम करना शुरू करता है। इसका जो कार्य 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ, कार्य करने की अगर हम बात करें तो यह शुरू हो गया। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? चलते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन इसके लिए आप लोग जानते रहिएगा। और जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स के तहत विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी 1945 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक दूसरे के पूरक संस्थाएं हैं, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप सब इन सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखते चलिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। जी हाँ, यहाँ पर अगर प्रश्न की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, अर्थात सवाल का सही विकल्प की बात करें तो डी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सभी लोग रख लीजिएगा। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? विजयलक्ष्मी पंडित, वीके कृष्ण मेमन, जवाहरलाल नेहरू, राजेश्वर दया। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पे, ये वीडियो यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुनी गई थी, प्रथम महिला भी थी। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? गोल्ड मेयर, विजयलक्ष्मी पंडित, मार्गेट थैचर, सरोजनी नायडू। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। जी हाँ, विजयलक्ष्मी पंडित इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर पी वालों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? रमेश भंडारी, नटवर सिंह, कृष्णा मेनन, सुश्री विजयलक्ष्मी पंडित। यहाँ पर अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर भी होगा, सुश्री विजयलक्ष्मी पंडित पहली महिला और पहली भारतीय थी जिन्हें अध्यक्ष बनने का अवसर मिला था। इस प्रश्न का उत्तर डी इसका सही और राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। बताइए सभी फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हैदराबाद है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर हैदराबाद लगाया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो जितने भी साथी वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ने एकदम सही बताया है, ये उत्तराखंड में देहरादून में है। स्थापना 1906 में, 1906 की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ है? मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। जी हाँ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है, अर्थात सवाल का जो सही उत्तर है वो आपका डी है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? ये बहुत ही यूनिक सवाल है, ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट सीरीज के अंतर्गत आता है। पेरिस, फ्रांस, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, वैसे है नीदरलैंड। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न के बारे में आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें, समझें इसके प्रश्नों को। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा दहेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसमें महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? इनमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, अर्थात न्यायाधीश। ठीक, किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल अगर पूछा जाए तब को बता सकते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 अर्थात 5, 1/3 अर्थात 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, सेवा निवृत्ति होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में सवाल आता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि कई प्रश्न एक प्रश्न से बनते हैं। निर्वाचन की अगर हम बात करें तो महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचन, 15 सदस्यों का निर्वाचन होता है। आप लोग जरा बताइए कि आप, मेरी आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है, नहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सभी साथियों तक पहुंच जाए। यहां से अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके, ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, जहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी और सभी क्लास की लिंक भी आपको मिलती रहेगी। 11, 15, 18, 7, सभी साथी बताइए फटाफट कमेंट करके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अर्थात 1/3 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते रहते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा के सदस्यों का होता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। सचिवालय, मानवाधिकार परिषद, न्यायसीता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकार की सर्वव्यापी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, महासभा में सर्वसम्मति स्वीकार किया गया था। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग बनाया गया, मानवाधिकार उच्च आयोग पद सृजित किया गया। महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद नामक निकाय भी प्रस्थापित किया गया। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे स्वीकार किया गया था 1948 में। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप चाहें तो लिख लें, वैसे इसकी लंबी कहानी है। मानवाधिकार सर जो घोषणा हुई थी, अगर इसकी घोषणा की बात करें, इसकी अगर हम घोषणा की बात करें तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग सर्वव्यापी घोषणा किया गई था। और कब आयोग बना था, इसका उच्च आयोग कब बनाया गया? उच्च आयोग लिख दे, नहीं तो आप लोग को, जो उच्च आयोग इसका बनाया गया उसके बारे में मैं चाहूंगा लिख लें आप लोग। ये 20 दिसंबर 1993 में। अब इसका ये नाम आप समझ जाएंगे ना, ये नाम कब रखा गया? 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को। तो ये डेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, हम आपके कमेंट देख रहे हैं, आप सभी के कमेंट देख रहे हैं, ये मैंने सुनिश्चित कर दिया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सब लोग। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पशु अधिकार संरक्षण संगठन, मानवाधिकार संगठन, पर्यावरण संरक्षण संगठन, शांति आंदोलन, बताइए सब लोग। देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर की एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों तो मानवीय स्वतंत्रता को बचाना, भेदभाव मिटाने और हर तरह के मानवाधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन चलाना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
बी। 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इसे नोबेल मिला था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 का शांति का नोबेल भी मिला है, शांति का नोबेल मिला है, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुनिश्चित हो गया आपकी कमेंट हम पढ़ रहे हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अगर स्थापना की बात की जाए, ऊपर इसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ लिया था, 1944 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था, उत्पादन एवं विकास, प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी विनिमय को प्रोत्साहन देना। यहाँ पर इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए, ठीक है, ठीक है। अमनेस्ट्री इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न है जो आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में शामिल है। उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब सभी लोग को देना होगा। यहाँ पे पांच देश हैं। कितने देश हैं? पांच देश सम्मिलित हैं। अगर पांचों देश की बात की जाए, रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान ने एक मंच 1966 में तैयार किया। 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल होने के पश्चात इस शंघाई संगठन का नाम दिया गया। इसे शंघाई संगठन सहयोग संगठन का नाम भी दिया गया था, ठीक। अब इसमें देश कितने हैं? अब 8 देश हैं। प्रारंभ में 5 देश थे, ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान भी इस संगठन का हिस्सा हो गया है, तब इसकी संख्या कुल कितनी हो गई? 8, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग चाहे इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजगानिस्तान, किर्गिस्तान। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, प्लस भारत भी इसमें हो गया और पाकिस्तान, अब इनकी संख्या 8 हो गई, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए जहां जरूरत पड़े। अगला है, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? अगर आपको पता है कौन कौन से, तभी आप नहीं है वाला लगा लेंगे। अगर इसी गठन की बात की जाए, इसका गठन कब हुआ था? ये देखिए, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। 8 अगस्त 1967 में हुआ था। और इसकी मुख्यालय की बात करें, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। अगर सदस्य देश की बात की जाए, सदस्य देश की बात करें जाए, तो 10 है। 10ों का नाम अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। 10ों के नाम अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, बुर्नेई, लाओस। इसमें चीन नहीं है, और नहीं है जो वही सही है। बी वालों का जवाब यहाँ पर सही है। लिखना चाहें नाम लिख लीजिएगा। लाओस, बुर्नेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, बुर्नेई, मतलब कुल 10 हैं। चाहे इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, अगर मैं बोल रहा था चाहे लिख लें, वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम अगले सेशन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। काला सागर, काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में सदस्य कितने हैं? 11, 12, 13, 14। तो जो काला सागर आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, जून 1992 में हुआ था। अगर इसकी मुख्यालय की बात की जाए, अगर इसकी हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर क्या है? इस्तांबुल में है।
इस्तांबुल किस देश में भी बता सकता है? तुर्कमेन। और इसमें अगर देशों की बात की जाए तो कुल 12 सदस्य देश हैं। मतलब बी वालों के सवाल के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल रही होंगी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। देखिए, नोट्स के लिए अगर हम बात करें तो एक नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी नोट्स के संबंधित। ये क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप सभी को मेरे द्वारा निःशुल्क चलती है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिएगा आप सर। अगर गुट निरपेक्ष की बात करें तो ये राष्ट्राध्यक्षों के प्रमुख सम्मेलन, अगर हम बात करें कि प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो उस समय युगो स्लाविया में हुआ था। तत्कालीन अगर हम बात करें इस समय का, युगोस्लाविया में हुआ था। वर्तमान अगर हम बात करें तो वर्तमान में सर्बिया, कि अगर राजधानी की बात करें, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? बेलग्रेड। ये वालों के जवाब सही है। कब हुई थी? 1961 में। और उस समय के जो अध्यक्ष थे, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफाज टीटो द्वारा सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन दोनों के द्वारा। ठीक, इसलिए इस प्रश्न पूछा जा सकता है। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, किसी मूवी में था ना, फोर्स मूवी में था इस्तांबुल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देशों में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? सभी साथी जवाब देंगे। जी हाँ, इसको अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखा जाता है, बिम्स्टेक, वे ऑफ बंगाल, इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर इसको हिंदी में बात करें तो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए अगर हम इसकी स्थापना की बात करें 6 जून 1977 में हुई थी। इसमें कुल 7 देश हैं। 7 देश के नाम पूछे जाते हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने देश हैं? 7। इसमें संगठन देशों की बात की जाए कुल 7 देश हैं। ठीक, तो अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर 7 बताया, बी बताया है, तो आपके जवाब सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। निम्नलिखित में से सार का सदस्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें से सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, यह परीक्षा में पूछा जाता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना की बात की जाए मैं आपसे पहले बताया था, प्रश्न के साथ साथ आपकी थियरी भी
तैयार हो जाएगी अगर आप डेली क्लास में समय से रहेंगे। 8 दिसंबर 1985। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए, काठमांडू है। जो कहां पर है? नेपाल में। इसमें 8 देश है। सदस्य देश की अगर बात करें तो सदस्य देश की संख्या 8 है। परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से इसका कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो यहां पर है भारत, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा है अफगानिस्तान। हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 है। इसमें से पूछा कौन सा नहीं है तो आपको जवाब देना है। यहां पर इसमें क्या है? म्यांमार नहीं है। माने जो गलत है वही आपका सही है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताए हैं तो इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सवाल आपके सामने, दक्षेश। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। दक्षेश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ? राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर हम दक्षेश की बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सार का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो सहयोग है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? ढाका। इसी को कहा जाता है सार्क सम्मेलन। इसी को कहा जाता है सार्क। ठीक है, कब हुआ था? 85। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सार का मुख्यालय कहां पर? उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दे लेंगे। सार का मुख्यालय कहां पर है? सभी सदस्य जवाब देंगे, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सभी मित्र एक बार वीडियो को शेयर करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। तो यहां इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। कहां पर होगा? काठमांडू। काठमांडू कहां पे है? नेपाल में। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने सार के बारे में यहां पर बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं यहां से आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होते रहे होंगे। इनमें कौन सा सार का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार नहीं है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान यहां पे दिया है। कुल इसके सदस्य देशों की संख्या अगर हम बात करें तो कितने हैं? 8 हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सार का पूरा नाम क्या है? अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बात किया था, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का जवाब बी दिया है तो इसका मतलब आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, बी वालों के। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं एयर समिट वायु शिखर, रिसोर्स समिट संसाधन शिखर, अर्थ समिट भूमि शिखर, वाटर समिट जल शिखर। तो सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पर, ये वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी साथी जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर होगा
पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट भूमि शिखर के नाम से जानते हैं, अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, अगर हम बात करें तो यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो कॉन्फ्रेंस, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट, रियो भू शिखर सम्मेलन भी इसे कहते हैं। इसके अगर हम नाम की बात करें, इसे अर्थ समिट कहते हैं, भूमि शिखर कहते हैं, इसे रियो शिखर, रियो सम्मेलन कहते हैं। इसके उपनाम है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन ब्राजील की जो पुरानी राजधानी थी रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम आयोजन की बात करें कि इसका जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन रियो डी जेने रियो, ये ब्राजील की पुरानी राजधानी है। वर्तमान राजधानी क्या है बताइएगा? बहुत सरल है, ब्राजील की पुरानी राजधानी। नई राजधानी क्या है? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। समय अगर हम बात करें तो 3 से 14 जून 1992। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। ये विविध का सेशन है, ये आपके स्टैटिक जीएस का पोर्शन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो देश था 178 देशों का प्रतिभाग भी हुआ था। देखिए, कुछ टुकड़े टुकड़े में जोड़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा कि साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, अगर आप नोट्स बना लेंगे ना, आपके पास खुद का नोट्स हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। यहाँ पे 5 विकासशील देश के हाल ही बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? सभी साथी जवाब जरूर देंगे, ब्रिक्स। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब जरूर देंगे। सभी से जवाब देंगे। अगर ब्रिक्स की बात करें तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और साउथ अफ्रीका। तो यहां पे नाम में ही स्पष्ट है प्रश्न का उत्तर होगा। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये इसका राइट आंसर होगा। रूस था, चीन था। 2011 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने के बाद समूह ब्रिक्स हो गया। माने जो ये दक्षिण अफ्रीका है ये कब सम्मिलित हुआ था? ये 2011 में सम्मिलित हुआ था, उसके पहले 4 थे। इसका पहला सम्मेलन रूस में हुआ था, इसका जो पहला सम्मेलन था ना, पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक, ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि परीक्षाओं में कई बार यहां से सवाल आ गए, इसलिए मैं बार बार कहूंगा वर्तमान में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी, रूस में हुआ था, 16 जून को हुआ था, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, 16 जून 2009 को। पहले 4 देश थे, बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा है तो 5 हो गए, माने 4+1, अब वर्तमान में 5 है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। देखिए, इसका मुख्यालय जो है, अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, तो कोई बता सकता है? यहां पे देखिए पूछा गया है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है,
जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय निश्चित नहीं कह सकता, इसका जो मुख्यालय है वो निश्चित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका मुख्यालय निर्धारित नहीं है। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय निर्धारित नहीं है, इसका जो मुख्यालय है ना वो निर्धारित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा ये आप लोग चीजें जानते रहें। अब इसके बारे में और चीजें आपके मन में आएंगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू सभी लोग जान लीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता है। मतलब यह बैंक को ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से जानते हैं, को पहले समझ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा था। ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से जानते हैं, अनौपचारिक नाम से, अनौपचारिक नाम से जानते हैं, ये तो समझ में आ गया। ये ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित है, ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित था, एक नए विकास बैंक का एक अधिकारी नाम था। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए अगर, तो ये था 15 जुलाई 2014, 15 2015, जिसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम शंघाई चीन मान सकते हैं। विकल्प के आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो नाम है वह यहां पे चीन किया जा सकता है। यहां पर इस समूह न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के एक अनौपचारिक नाम से जानते हैं, जो ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में। इसलिए इसे हम इस प्रश्न के हिसाब से प्रश्न का उत्तर ए मान सकते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का कोई भी मुख्यालय निर्धारित नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग इसे और डीपली अध्ययन करिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं कहाँ तक सही हूँ और आप कहाँ तक सही हैं। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, ये वीडियो स्टैटिक जीएस जीके, ये वीडियो विविध, ये वीडियो जीएस जीके की महत्वपूर्ण सीरीज है, जो आपके साथ करंट के साथ पढ़ना होता है। जब ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, करंट में पूछेंगे कि ब्रिक्स का अभी हाल ही में सम्मेलन कहाँ पे हुआ, इस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। भारत सदस्य नहीं है किसका? G20 का, G8 का, सार का, यूएन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं चाहूंगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, आप ये जानते रहिएगा, G20 का सदस्य भारत है, सार का भी है, यूएन का है, G8 का सदस्य भारत नहीं है। G8 में अगर हम बात करें, अगर G8 की अगर हम बात करें, G8 में है फ्रांस है आपका, G8 की अगर हम बात करें जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान है, रूस है, कनाडा है, यूएस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इसका भारत सदस्य नहीं है, लेकिन सार का, यूएन का नहीं। ठीक, याद रहे एक बात और, कि भारत G20, सार्क, यूएन तीनों के सदस्य हैं, रूस को निलंबित कर दिया गया G8 से। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है, निलंबित कर
दिया गया है। यह बात आप लोग जानते रहे, रोज को निलंबित कर दिया गया जीएट से। ठीक, अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? जी शेखर, ठीक है, मैं वही बता रहा था। जी एकता जी, मैं बता रहा था कि अब जी सेवन हो गया है, रूस बाहर हो गया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? अब इसके पूरे नाम आपको पता होना चाहिए। G20 का यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बांग्लादेश, भारत, सऊदी अरब। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। इसमें कितने हैं? 19 देश हैं प्लस यूरोपीय संघ, मिलाकर कितने हो गए? 20 सम्मिलित हैं। इसका जो प्रतिनिधित्व है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए 1999, बांग्लादेश का सदस्य नहीं है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक है, भारत है, सऊदी अरब है। तो यहां पे सवाल का अगर सही उत्तर की बात करें तो सवाल का उत्तर क्या होगा? बी होगा। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल, एक अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला है, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना का उद्भूत कहां से हुई थी? सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। बात करें कार्बन केटू, अर्थ समिट रियो डी जेनेरो शहर से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहां पे भी हमने इसको भी पढ़ लिया आज के सेशन में, शायद आपको याद होगा 1992 में एकता जी ने इसके बारे में भी ऊपर कमेंट सेशन बताया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल O3 अर्थात ओजोन से है। यहां पर इसी नाते 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल, अगर आपने सवाल का उत्तर बी दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सेम सवाल है और उम्मीद करते उत्तर भी आप लोग सेम ही रखेंगे। स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, किसी भी प्राकृतिक आपदा से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए साझा खाद्य भंडार निर्मित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, गहरे समुद्र से तेल और खनिज का अन्वेषण। सभी साथी जवाब देंगे क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप का संलेख अर्थात स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। अगर आपने सवाल का उत्तर ए दिया तो आपका जवाब सही है। एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, मतलब जिसका उद्देश्य जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनत्व जो मात्रा उसमें बराबर रखे रहना, जो मनुष्य और जलवायु प्रणाली में कोई हानिकारक या रुकावट न पैदा करे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए ए होगा। कुछ लोगों ने सवाल का उत्तर बी बताया है तो यहां पर बी गलत है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर से। यहां पे मेन इसका जलवायु परिवर्तन है, मेन जो पूछेगा वो है आपका जलवायु परिवर्तन। अगला है, वर्ष 2013 में, चलिए ये तो आउटडेटेड सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहां से कर देते हैं डिलीट। अगला है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, जेनेवा। सभी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसमें अगर सदस्य देश की बात करें तो कोई बता सकता है इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 187। अगर यूएन की बात की जाए तो इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193। सदस्य देशों की बात हो रही है, अगर स्थापना की बात की जाए कोई बता सकता स्थापना कब हुई थी? 1919। यहां पे न्यूयॉर्क है ना, जिनेवा। जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ, स्क्रीनशॉट आप लोग करके रखिएगा।
राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में खूब झोला भर भर के से सवाल आते हैं। नीरी कहा जाता है, पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नागपुर। एकदम रट लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के रूप में नागपुर में था, जिसका नाम 1974 में बदला गया। इसका नीरी नाम कब रखा गया? 1974 में रखा गया। ये नया नाम है नीरी। इसका पुराना नाम क्या था? केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। वॉल स्ट्रीट क्या है? मेरा सवाल आपसे, दलाल स्ट्रीट क्या है? दलाल स्ट्रीट क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। दलाल स्ट्रीट क्या है, इसका संबंध किससे है और कहाँ है? स्ट्रीट का मतलब एक मार्ग होता है। अगर हम वॉल स्ट्रीट की बात करें तो यह न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है, और यह लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के न्यूयॉर्क में है। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का घर है एक तरह से, जो सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, लोअर मैनहट्टन में है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? मुंबई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश स्थित निजामनगर, कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम, तमिलनाडु स्थित पुईकैरा, केरल स्थित पहलीवासल। सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो भारत का प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक के शिवसमुद्रम में है। बी। अगला सवाल है आपके सामने। सूक्ष्म जीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ है? चंडीगढ़, हैदराबाद, बंगलुरु, नई दिल्ली। तो चंडीगढ़ में है। अगला है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कहाँ पर हैं। ये आज का आखिरी सवाल है। डेली क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी लिंक आपको डेली क्लास की मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी क्लास होते हैं उसकी भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है उन नंबरों में कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती हैं। मेरे द्वारा एक क्लास आपके लिए निःशुल्क देशित में, राष्ट्रहित में है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेकर आता हूँ। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चेन्नई। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था वो 24 अप्रैल को हुआ था 1948। ये चमड़ों के सामान का निर्माण करता, डिजाइन करता है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। जीएसजी के विविध स्टैटिक जीएस की सीरीज, इसके बाद जब ये सीरीज समाप्त हो जाएगी तब हम करंट के साथ मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी भी भूमिका करंट से ज़्यादा होती है। और यहाँ से सवाल जब परीक्षाओं में आते हैं तो प्रायः लोग गलती कर जाते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर एनसीईआरटी के, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के, सभी नोट्स आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं। और ये भी क्लास 6 से लेकर 12 तक, 6 से 12 तक के सभी नोट्स वहाँ पे आपको उपलब्ध हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, जरूर तक लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक करिएगा, फॉलो करके रखिएगा। इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करिएगा। बाकी मेरी भी आईडी इंस्टाग्राम पर है तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। और लेकिन ये लेने भी दुर्गेश को फॉलो करके रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नए सेशन में मिलते हैं। आज से सेशन कैसा लगा, ये टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होती है। अगर कुछ सवाल बच्चे होंगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे, वैसे यहाँ पे पूरे सवाल खत्म हो गए, बाकी जब प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, जब मॉडल पेपर से लेकर आएंगे, तब हम इन और तथ्यों को और अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में टाइम से जुड़े रहा करिए और अंत तक बने रहा करिए, तभी क्लास समझ में आएगी और उसकी उपयोगिता भी, और साथ में क्लास के नोट्स भी बनाते चलेगा ताकि आपके पास खुद का आपका अपना नोट्स हो जाए। आप सभी का वेलकम और आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।